हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए बिना गैस जलाए कुल्फी, एकदम रबड़ीदार मलाईदार कुल्फी की रेसिपी लेके आई हूँ। वो भी सिर्फ दो सामानों से मिलकर बनेगा और गैस भी जलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी दोस्तों। और खाने में इसका जो टेक्सचर होगा दोस्तों, इतना यम्मी होगा कि आप मार्केट की सारी कुल्फी, सारी आइसक्रीम, जितने भी आइसक्रीम के फ्लेवर हैं, सब फीकी लगेगी इस रबड़ीदार और मलाईदार कुल्फी के आगे दोस्तों। होममेड कुल्फी है और सामान भी बहुत मामूली से हैं दोस्तों, फिर भी टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग है। तो फुल वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको बनाने और खाने दोनों में आनंद आ जाएगा और वीडियो अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। साथ ही फेसबुक पे आप मुझे देख रहे हैं तो फेसबुक पे भी मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि ये बेहतरीन रेसिपी कैसे बनती है दोस्तों। तो यहाँ पे एक बॉल मैंने ले लिया है, इस बॉल में करीब मैं 2 कप के करीब इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। तो दोस्तों, कोशिश कीजिएगा कि अगर आप जो दूध ले रहे हैं इस रेसिपी के लिए, फुल फैट क्रीम वाली लीजिएगा, अच्छी दूध लीजिएगा। और सबसे बड़ी खास बात कि कम मेहनत में आपको अच्छी आइसक्रीम जो है, आइसक्रीम कुल्फी खाने को घर पे मिलेगी दोस्तों। साथ ही गैस भी नहीं जलाना है तो कम बर्तन में आपकी बेहतरीन, बर्तन भी ज़्यादा नहीं मांजना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे दूध तो हमने ले लिया है दोस्तों, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला दूध है और वही दूध है जो हम रेगुलर पीते हैं। तो उसी दूध से मैं बहुत ही अच्छी आइसक्रीम कुल्फी आप लोग को बना के दिखा रही हूँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगेगा, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, काजू है तो यहाँ पे काजू मैंने 150 ग्राम लिया है। तो बस इस काजू को, सारे काजू को हमें इसे बॉल में डाल देना है, दूध वाले बॉल में। तो बस अब इसको हमें क्या करना है, आधा घंटा के लिए छोड़ देना है ताकि हमारी जो काजू है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाए। तो दोस्तों, इसको हम आधा घंटा के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं। आधा घंटा हो गया है, हमारी काजू जो है दूध के साथ अच्छे से फूल गई है दोस्तों। अब यहाँ पे हम मिक्सी का जार लेंगे, अब जो हमारी काजू और दूध थी ना उसको इसमें डाल देते हैं, अब इसका टेस्ट और इनहेल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इलायची का पाउडर ऐड करेंगे, ये एक फूड एसेंस है दोस्तों, इसको मिठाई वगैरह स्वीट डिशेस में इस्तेमाल किया जाता है, जिसे जो खुशबू वगैरह होती है रेसिपी की बहुत अमेजिंग आता है और साथ में टेस्ट भी बहुत बढ़िया देता है। तो यहाँ पे 1 चम्मच के करीब मैं केवड़ा जल इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों, आप चाहो तो रोज़ वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। अब हम इसमें ना तो कोई क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना तो दूध को हमने घंटों पका के एकदम रबड़ीदार बनाया है दोस्तों, फिर भी इसका टेक्सचर एकदम स्मूथी और क्रीमी आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बिना खर्चे वाली हम कुल्फी बना रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये घर की मलाई है, बहुत ही फ्रेश है, आप देख सकते हो दोस्तों कितनी मोटी मलाई है दोस्तों, ये दूध पे जम जाती है बॉईल करने के बाद, बस वही मलाई है। मलाई 2 दिन का है दोस्तों, आप देख सकते हो, आप जो रेगुलर दूध पीते हो उसकी मलाई आप इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप इसमें फ्रेश क्रीम डाल सकते हो, लेकिन हम घर के बेसिक और मामूली चीज़ों से ही इस कुल्फी को बना रहे हैं दोस्तों। ये घर की ही सारी सामग्री है, उसी से आपको एकदम क्रीमी स्मूथी आपको कुल्फी खाने को मिलेगी, बिना खर्चे वाली आपकी ये जो है हमारी होममेड कुल्फी है दोस्तों, एकदम रबड़ीदार एकदम मलाईदार दोस्तों। तो यहाँ पे हम एकदम स्मूथी क्रीमी टेक्सचर देगा, तो यहाँ पे मलाई हम डाल देते हैं दोस्तों। तो आप कोशिश कीजिएगा जो मलाई आप इस्तेमाल कर रहे हो वो अधिक दिनों की ना हो और उसमें कोई भी गंदा स्मेल ना आ रहा हो दोस्तों, मलाई आप फ्रेश ही इस्तेमाल कीजिएगा। मैं यहाँ पे मिठास के लिए, आप देख सकते हो दोस्तों, नेस्ले का मिल्कमेट है, मिल्कमेट मिठाई मेट है दोस्तों, तो इसको हम इसमें इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। ये देखिए, मिठास आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, जितना मिठास आपको पसंद है उस अकॉर्डिंग आप चीनी या शुगर पाउडर, मिश्री पाउडर या फिर मिठाई मेट इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे जितना मिठास मुझे पसंद था उस अकॉर्डिंग मैंने इसमें मिल्कमेट का इस्तेमाल किया है। अब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, इसको हमने ग्राइंड कर लिया है और इसका टेक्सचर आप देख सकते हो कितना थिक और स्मूथी है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों। तो इससे आपकी जो कुल्फी बनेगी वो बहुत ही यम्मी, एकदम रबड़ी और मलाईदार रहेगी दोस्तों। तो इसको हम साइड रख देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको हम
सेट किस में करेंगे दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना मोल्ड का हम इसे सेट करेंगे दोस्तों। तो ये देखिए कप है चाय पीने वाली दोस्तों, ये तो मैंने छोटी ली है, आप बड़ी वाली कप में भी सेट कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे मटका है, जो बच्चे मटका कुल्फी खाते हैं ना दोस्तों, और ये मटका रह जाता है, तो उसको धो के हमने अच्छे से सुखा के उसके बाद इस्तेमाल करेंगे इस रेसिपी में। या फिर ये इस तरह का जो आइसक्रीम खाने के बाद ये जो डब्बा रहता है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ग्लास है मीडियम साइज की, ये रही छोटी वाली ग्लास, इसमें भी आप सेट करने दे सकते हो। इस तरह की छोटी से स्टील की बर्तन है, इसमें भी आप सेट कर सकते हो। तो ये देखिए दोस्तों, सब में हमने कुल्फी को फिलअप कर दिया है दोस्तों, ये देख सकते हो, एकदम रिच स्मूथी क्रीमी आपकी बहुत ही रबड़ीदार बनने वाली है ये कुल्फी दोस्तों। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिल्वर फॉइल से सबको कवर कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों सारे कुल्फी को हमने इस तरह से सिल्वर फॉइल से कवर अप कर लिया है, और इसमें स्टिक आप जब ये सेमी सेट हो जाएगा तो यहाँ बीच में कट मार्क कर दीजिएगा चाकू से, उसके बाद आप इसमें स्टिक डालिएगा। ये देखिए दोस्तों, सारे जो कुल्फी हैं हमने फ्रीजर में इसको सेट होने के लिए छोड़ दिया है, इसको ओवरनाइट हम छोड़ देंगे, और इसको हम ये कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा छोटा मास्टर जो है यहाँ पे काम कर रहा है, लिटिल मास्टर, ये भी मेरा हेल्प करता है दोस्तों, बहुत सारे कामों को सेट कर देता है। ये डाला है, ये भी बहुत क्रीमी टेक्सचर है, जैसा मार्केट से हम खरीद के लाते हैं मटका हमारी कुल्फी, तो वैसे ही है दोस्तों। देखिए इस ऊपर में मैंने गार्निश भी कर दिया है दोस्तों, इसको ऐसे ही आप इंजॉय कीजिएगा, बहुत ही यम्मी लगेगा। और टेक्सचर मैं नज़दीक से दिखा दे रही हूँ, एकदम रबड़ी और क्रीमी टेक्सचर है इस मटका कुल्फी की दोस्तों। और यहाँ पे जो हमने नॉर्मली घर की स्टिक डाली थी, तो ये भी इजिली डिमोल्ड हो जाएगा दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, इसको इस तरह से इजिली, सब कुछ इजिली हो जाएगा, कोई भी परेशानी कोई दिक्कत नहीं आएगा दोस्तों। ये देखिए, इसको चाहे तो आप 4 भागों में भी काट सकते हो दोस्तों, लेकिन ये देखिए कितना बढ़िया से ये हमारा हो गया है दोस्तों, बहुत ही यम्मी है ये दोस्तों। बिना कॉस्टली सामान के इसका टेस्ट एकदम मिठाई जैसा आपको मिलेगा, एकदम दानेदार आपकी ये कुल्फी है दोस्तों, एकदम मलाई से भरपूर, एकदम काजू से भरपूर दोस्तों, एकदम टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा दोस्तों। मैं नज़दीक से भी दिखा दे रही हूँ इसका टेक्सचर वगैरह, जैसी कलाकंद दानेदार होती है ना दोस्तों, उसी तरह से आपको इसका टेस्ट मिलेगा, मिठाई और कुल्फी दोनों का टेस्ट एक ही स्वाद दोस्तों। बिना किसी मोल्ड के, बिना किसी कॉस्टली सामान के, इजी प्रोसेस से आपकी एकदम दानेदार मिठाई वाली कुल्फी बनके रेडी हो गई है, कम मेहनत कम खर्चे में। एक बार इस ट्रिक से बनाना तो बनता है दोस्तों, तो जब तक ऐसी ही प्यारी, कितना माउथ वाटरिंग लग रहा है दोस्तों, तब तक आप फुल फैमिली आनंद लीजिए, और खाते खाते अपने इस प्यारी सी दोस्त को जरूर याद कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।